प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लाख दावे कर दें, लेकिन खाद्य विभाग उनकी मांसा पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राशन की कालाबाजारी के लिए पहले से ही चर्चा में रह रहे एमआई के कार्यालय का एक नया कारनामा सामने आया है। यहां शनिवार के दिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मी ने कार्यालय खोलकर राइस मिलर्स के लिए चावल के 14 चालान काट दिए और उनमें किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के बावजूद चावल के ट्रक FCI के गोदाम में भेज दिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा जो है चालान बनाए गए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या जाँच की गयी है? आज सुबह मामला मेरे संज्ञान में आया कि बिना SMI के साइन के चावल निकाला जा रहा है और वो FCI के गोदाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में पूछताछ की गई तो पता लगा कि SMI चूँकि उनको आने में देर थी और ख़राब मौसम की वजह से चावल में निकाला जाना ज़रूरी था, तो चावल निकाल दिए गए। SMI के साइन बाद में हुए उसमें। इसके अतिरिक्त क्वालिटी को लेकर एक इश्यू क्रिएट बताया गया था कि हो सकता है कि क्वालिटी ख़राब हो, तो इसके लिए ऑन स्पॉट सैंपल निकाले गए, रैंडम सैंपल निकाल के उनको फिर से क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भेजा गया। उसमें क्वालिटी टेस्टिंग कराई गई तो उनको उचित पाया गया। इनके जो है गाड़ियां ले ली गई, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये एक नियम का उल्लंघन है। नहीं, प्रोसीजरल लैप्स तो है, पर वो किसी कंटीजेंसी की वजह से प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, परंतु उसकी वजह से क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।